हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एंके सिंह और दोस्तों मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सेफ्टी टैंक के साइज को लेकर। जैसे आपको पता है, हर घर में सेफ्टी टैंक की जरूरत होती है और उसका एक सही साइज बनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो कि साइज आपने कम कर दिया हो तो भी आपको दिक्कत पड़ सकती है कि आपको समय समय पर उसकी सफाई करानी होगी। और सेफ्टी टैंक का साइज भी हमें ज़्यादा बड़ा लेके नहीं चलना है, वो आपके अकॉर्डिंग टू आपके जो घर में पर्सन है उसके ऊपर रहता है, ठीक है। लेकिन मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, वो मिनिमम क्राइटेरिया बताऊंगा कि आपको इतनी कम चौड़ाई से कम चौड़ाई नहीं रखनी है और इतनी कम गहराई से गहराई नहीं रखनी है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे घर में जो मकान में सेफ्टी टैंक बन रहा है वो ठीक बन रहा है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जब हम सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो सेफ्टी टैंक में क्या होता है कि हमारी जो चौड़ाई दी जाती है सेफ्टी टैंक की, वो मिनिमम जो होती है वो 2.5 फिट होती है। हमें मिनिमम 2.5 फिट देनी देनी होती है, 2.5 फिट से हम कम नहीं दे सकते। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप 2.5 फिट से आपकी सेफ्टी टैंक में चौड़ाई दी जा रही है तो आप उसको ठीक करें और बढ़ाएं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ड्राइंग नहीं है, मैंने आपको 2.5 फिट बता दिया, लंबाई कैसे पता करें? तो लंबाई दोस्तों, जो हम किसी भी सेफ्टी टैंक की, अगर हमारे पास ड्राइंग नहीं है, क्योंकि अगर ड्राइंग होती तो सब कुछ उसमें मेंशन रहता है, अगर हमें लंबाई पता करनी है तो जो हमारी चौड़ाई होती है उसका 2 से 4 गुना हम उसको लेके चलते हैं। यानी कि 2.5 फिट हमारी चौड़ाई है तो लंबाई जो हम लेके चलेंगे अपने सेफ्टी टैंक की वो 2 से 4 गुना। यानी कि मैंने माना कि मेरी 2.5 फिट इसकी चौड़ाई है और मैं एज्यूम के माना, मैंने 3 गुना माना, 3 गुना उसकी चौड़ाई लंबाई मानी तो हो गई हमारी 7.5 फिट। यानी कि 7.5 फिट हमारी लंबाई हो गई। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अब इसकी गहराई, अब गहराई जो आती है वो दोस्तों हमें 1 मीटर से बिल्कुल भी कम नहीं रखनी है, ठीक है। कुछ लोग कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप वहाँ जाके देखें, 1 मीटर से हमें कम बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों अगर 1 मीटर रखनी है, 1 मीटर से कम नहीं रखनी, तो फिर हम कितनी रखें? और ध्यान, हाइट पे रखने पे सबसे ज़्यादा गलती होती है डेप्थ। जब हम अपने सेफ्टी टैंक की डेप्थ देते हैं तो यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगर मैंने 1 मीटर बोला है तो आप 1 मीटर जो देते हैं वो हमारा वाटर लेवल से नीचे नीचे का होता है। वाटर लेवल से ऊपर की जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं फ्री वॉर्ड हाइट, और उस हाइट को हम कम से कम 1 फिट देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक सेफ्टी टैंक है, उसके अंदर जो पानी भरा रहता है, जितने कैपेसिटी का आपने बनाया है उस कैपेसिटी में पानी भरा रहता है, और जो हमारा ऊपर स्लैब होता है और स्लैब और सेफ्टी टैंक के पानी के बीच में एक हाइट रहती है, खाली स्पेस, वो हमें देनी होती है और उसकी हाइट होती है मिनिमम 1 फिट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। तभी तो हमारे क्या होता है, जब ओवरफ्लो होने लगता है तो जल्दी ओवरफ्लो होने लगता है और लीकेज हमारे उस जगह पे सीलन से आने लगती है और लीकेज बाहर लीकेज लीकेज मारता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये यहाँ पे मदद करती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, एक हमारा जो सेफ्टी टैंक की चौड़ाई होती है उसको सही से मेजर नहीं कर पाते, एक वहाँ गलती होती है। ये उन लोगों के लिए दोस्तों जिनके पास ड्राइंग नहीं है, ठीक है। आप ये हमारी जो डेप्थ थी, जो हमारी साइज थी सेफ्टी टैंक का, वो ये हमारा मिनिमम है, मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे कम हमें नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। अभी जैसे मान लीजिए मैं, आप इसको आराम से इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम से कैपेसिटी आप निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारी इसके सेफ्टी टैंक का मिनिमम क्राइटेरिया। तो आई होप आप इसका समझे होंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊँ कि अगर हमारे मकान में नॉर्मली 4 लोग रहते हैं तो आप, हम उसकी जो कैपेसिटी देते हैं वो 2000 लीटर का हमारा दे सकते हैं, और अगर हम अपना 4 से 6 से 10 होते हैं तो आप 2500 से 3500 तक दे सकते हैं। ये हमारा सेफ्टी टैंक हो गया। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में साइज को लेके डिस्कस करने वाला था, क्योंकि मेरे पे कमेंट आई थी, मैंने कभी बहुत पहले एक वीडियो डाली थी सेफ्टी टैंक को लेकर, उसमें कुछ मैंने गलतियाँ बताई हैं, क्या गलतियाँ होती हैं वो आप चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियो में, 10 पॉइंट हैं इस वीडियो में जो कि अक्सर गलतियाँ होती हैं, तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।